चलो आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम जो फीमेल्स की है, बहुत रेयर है और शुरुआत के समय पर अगर हम देखें तो उसके सिम्टम्स को समझना बड़ा मुश्किल है। यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसको हम केवल और केवल टेस्ट के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ये बीमारी है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब है कि जब हमारे यूट्रस की लेयर में जो गड़बड़ियां हैं, हमारी यूट्रस की फीमेल के अंदर 14 साल के बाद, 13 साल के बाद पीरियड्स का आना और वहाँ पर यूट्रस की जो अंदर की लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो हर महीने बनती है और हर महीने बिगड़ती है और इसीलिए हम उसे एक फंक्शनल लेयर के रूप में भी जानते हैं। ये पूरी बॉडी में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर लेयर बनती है और बिगड़ती है, यानी कि वहाँ पर सेल डेवलप होते हैं और बिगड़ते हैं और हर मंथली साइकिल के रूप में बाहर आते हैं। तो यूट्रस के लेयर की गड़बड़ी की वजह से पीरियड्स के दौरान आपको भयंकर पेन होना और कई बार इतना भयंकर पेन होना कि पीरियड्स के बारे में सोचने से भी फीमेल्स को बैक पेन या फीवर जैसी कंडीशन हो सकती है। यानी कि ये कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस दौरान अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको बेचैनी हो सकती है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और पेनफुल हो सकते हैं। इसके कारण को अगर हम समझें, मीनिंग को समझें, तो जो लेयर हमारी है, यूट्रस जो है, अगर हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के माध्यम से देखें तो इस तरीके से जो यूट्रस हमारा है ना, तो ये यूट्रस के अंदर की तीन लेयर जो मेन है वो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, और उसके बाद में जो आपकी एक और लेयर है जो एडिनोमायोसिस है ना, यानी कि ये बीमारी के रूप में आ जाती है। तो इसमें जो अनफंक्शनल लेयर है यानी कि अंदर की लेयर है, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सेल्स की ग्रोथ होने लग जाती है और वो भी आपके फंक्शनल लेयर के साथ बाहर आने की कोशिश करती है। यानी कि ये आपके फंक्शनल लेयर जो है, एक तो फंक्शनल लेयर है जो हर महीने आपके पास आउट हो रही है पीरियड्स के रूप में, लेकिन ये इसके अंदर की लेयर जहां पर सेल्स की ग्रोथ होती है और ग्रोथ होने की वजह से वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, वहां पर वो कई बार आपके यूट्राइन ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब के रास्ते को भी ब्लॉक कर देते हैं और कई बार जब आपको पीरियड्स होंगे तो इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से पीरियड्स पेनफुल होंगे और हैवी ब्लीडिंग के साथ होंगे। अगर हम देखें इसके उसमें कारणों में कि आपके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इस दौरान लोअर एब्डोमन, आपको लोअर एब्डोमन का पेन यानी कि नाभि से नीचे के हिस्से में पेन हो सकता है और ख़ास तौर से पेल्विक रीजन में आपको पेन होगा। इसी की वजह से जब ये एक्स्ट्रा ग्रोथ डेवलप हो रही है और अलग अलग जगहों पर, यानी कि एक जगह एक साथ एक जगह पर डेवलप नहीं है, ये पूरे यूट्रस के एरिया को कवर करती है, कभी लोअर यूट्रस की तरफ होगी, कभी ऊपर की तरफ हो सकती है, दाएं हो सकती है, क्योंकि यूट्रस के चारों तरफ की एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो सेल की है और इसमें आपको इनफर्टिलिटी भी होगा क्योंकि इस समय पर यूट्रस भी अपने लचीलेपन को खो देता है और वो प्रोलैप्स होता है, इनलार्ज हो जाता है, कई बार अपने साइज से बड़ा हो जाता है और वीक हो जाता है। तो अगर ऐसे समय पर कंसीव कर भी लिया तो बच्चा टिकने के यानी कि वो वहाँ पर स्थापित होने में भी बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। यूट्रस इनलार्ज हो जाता है, वीकनेस आती है क्योंकि हैवी ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग जब भी होगी तो उसमें आपका ब्लड लॉस होगा, हीमोग्लोबिन का लॉस होगा और वो कहीं ना कहीं आपके वीकनेस का कारण बनेगा। स्वेलिंग यूट्रस के अंदर हो जाती है क्योंकि जब इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पर घाव होने के चांसेस, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस और वो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में बदलने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि ये यूट्रस के इंटरनल वॉल पर स्वेलिंग होने के भी चांसेस इसमें होते हैं। ब्लड फ्लो, हैवी ब्लड फ्लो होगा आपको पीरियड्स के दौरान, पेनफुल होगा पीरियड्स यानी कि जब आपको पीरियड्स हो रहे होंगे तो बहुत भयानक पेन हो रहा होगा क्योंकि ना केवल उस समय पर एंडोमेट्रियम बाहर आ रही है, फंक्शनल लेयर बाहर आती है, बल्कि ये आपकी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है उस इंटरनल लेयर के अंदर हो रही है, उसकी भी ब्लीडिंग होती है और वो वैसे ही होती है जैसे आपको आपके ऊपरी घाव कहीं हो जाए,
जैसे अगर आपको ऊपरी घाव हो जाए और उसके ऊपर से कोई चीज छू कर जाए तो घाव जो आपको पेन करेगा वैसे ही इंटरनल पेन आपको होगा। इसको हम यूट्रस के इंटरनल पेन यानी कि इंटरनल घाव भी कह सकते हैं और उस समय पर ये बहुत पेनफुल होगा। एबनॉर्मल पीरियड्स होंगे, पीरियड्स कभी हैवी ब्लीडिंग तो होगी ही होगी, कभी ये आपको अर्ली हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, पीरियड्स के जो टाइमिंग है वो गड़बड़ हो सकती है। पेल्विक एरिया आपका पेन करेगा यानी कि आपको चलने फिरने दौड़ने उठने बैठने में भी आपको पेन होगा, यानी कि इससे पीरियड से पहले भी आपका पेल्विक का एरिया पेन करना शुरू कर देगा। और मैरिड वुमेन्स में यानी कि जो मैरिड गर्ल्स हैं उनको इंटरकोर्स के दौरान भी पेन होगा क्योंकि ये इंटरनल स्वेलिंग है, इंटरनल स्वेलिंग के दौरान इंटरकोर्स के दौरान भी आपको पेन होगा। हार्मोन इंबैलेंस होना इसके लिए मेन कॉज होता है, तो इसमें जब हम हार्मोन्स को चेक कराएंगे तो इसमें खास तौर से एस्ट्रोजन आपका एक्सेस बढ़ा हुआ होगा, यानी कि इस समय पर एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है पीरियड से पहले आपके जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको डेवलप करने का काम होता है। जब पीरियड्स के बाद में आपके दोनों ही हार्मोन डाउन हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर वहां पर ओव्यूलेशन होता है यानी कि ओवरीज के अंदर एग दोबारा से फॉर्मेशन शुरू होता है, तो इस समय पर आपका एस्ट्रोजन इस प्रॉब्लम में बढ़ जाता है। कॉज की बात करें इस समय पर तो कॉज में क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ टिश्यूज है, वहां पर जो लेयर है उस लेयर के अंदर जो जिन टिश्यूज से बनी हुई है जिन सेल से बनी हुई है वहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, तो एक्स्ट्रा ग्रोथ में वहां पर कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस इन्फेक्शन की वजह से वो इंटरनल लेयर, हम फंक्शनल लेयर के अंदर की लेयर की बात करें, ये फंक्शनल लेयर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शनल लेयर से अंदर की प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको पेन और इन्फेक्शन दोनों होने के चांसेस हैं। ब्लड फ्लो आपका बढ़ सकता है और हार्मोन इंबैलेंस मैंने आपको जैसे बताया है एस्ट्रोजन इसमें आपका बढ़ा हुआ आएगा और इस दौरान लाइफ स्टाइल जो आजकल जो समस्याएं ये बढ़ती जा रही हैं फीमेल्स के अंदर, फीमेल के अंदर ये जो बढ़ रही हैं ये हमारा लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा कारण है, जिसमें आपका जो खाने पीने का तरीका है यानी कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं जैसे पैक्ड फूड खा रहे हैं फास्ट फूड खा रहे हैं ये हमारे हार्मोन्स को गड़बड़ करने के कारण बनते हैं, यानी कि जो भी हम ऐसा फूड खा रहे हैं जो प्रिजर्वेटिव डाला गया है तो फूड हमारे हार्मोन्स को गड़बड़ कर सकता है। कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना या फास्ट फूड में चाउमीन है पिज्जा है बर्गर है ये इस तरीके की चीज़ें खाना जो हमारे हार्मोन्स पर गड़बड़ कर सकता है ये उसका एक कारण बन सकता है। उसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि आजकल के अगर हम देखें फीमेल्स जो हैं वो लैक ऑफ एक्सरसाइज भी यानी कि हमारे लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज ना होने की वजह से भी यहाँ पर प्रॉपर सर्कुलेशन ना पहुँचने से हमारी यहाँ पर जो सर्कुलेशन की कमी की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है यानी कि यहाँ की सेल जो हैं वो अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती हैं और वो कहीं ना कहीं इरीटेट हो जाती हैं। और इसमें अगर हम देखें तो बॉडी का ओवरवेट भी होना एक कारण है, यानी कि अगर आपकी फीमेल्स के अंदर वेट ओवरवेट है तो उसकी वजह से भी आपका लोअर एब्डोमेन का हिस्सा गड़बड़ हो सकता है। ये समस्या आपको 40 के बाद में, पहले के समय पर ये 40-45 साल के बीच में आपको तंग करती थी, आज की ये समस्या 25 साल के गर्ल्स में भी यानी कि 25 साल की फीमेल में भी आ रही है क्योंकि ये धीरे धीरे हमारा लोअर एब्डोमेन का जो भाग है वो वीक होता चला जा रहा है। इसमें हार्मोन्स की गड़बड़ी एक मुख्य कारण है, हमारा खान पान दूसरा मुख्य कारण है कि हम जिस तरीके के फास्ट फूड या ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी गर्ल्स स्मोक करती हैं चैन स्मोकिंग हो जा करती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे यूट्रस की लेयर के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, डीएनए लेवल पर चेंजेस हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल पर चेंजेस हो सकता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसके डेवलपमेंट के लेवल पर जाकर चेंजेस हो सकता है क्योंकि स्मोकिंग की वजह से वहाँ पर CO2 आपके शरीर के अंदर जाती है जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में भी वहाँ पर आपके लोअर एब्डोमेन में
गड़बड़ी कर सकती हैं। आपके गर्भ निरोधक गोलियां खाने से, यानी कि बहुत सारी फीमेल्स आज की कंडीशन में हम देखें तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं, वो भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। हम फीमेल्स के अंदर अगर हम समझें तो जो मैरिड गर्ल्स हैं वो प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉपर टी का इस्तेमाल करती हैं, वो कॉपर टी भी इसका एक कारण बनता है जो इंटरनल लेवल पर इसको नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हम वेजाइना के अंदर में उसको जो अपने प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए उन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी वहाँ पर हमारी इंटरनल लेयर को ये नुकसान पहुँचाती हैं। और ख़ास तौर से जो अगर हम देखें अनहाइजीन, जो फीमेल्स अपने इंटर पार्ट को यानी कि इनर पार्ट को हाइजीन नहीं रखती हैं, साफ सुथरा नहीं रखती हैं, उनको भी यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस धीरे धीरे इंटरनल लेयर पर डेवलप होता है और इस कारण इस बीमारी का शिकार होती हैं। यूटीआई, लंबे समय तक अगर यूटीआई आपको बना हुआ है, लंबे समय तक आपको यूरिन में इंफेक्शन है, लंबे समय तक आपके इनर पार्ट में इंफेक्शन है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके इस बीमारी का कारण बन सकता है। आपके हॉर्मोन्स थेरेपी के वजह से, यानी कि आप बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके के ट्रीटमेंट करा रहे हैं जो कि हार्मोन्स थेरेपी के रूप में है, हार्मोन्स का इंटेक कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन के रूप में कर रहे हैं, चाहे आप उसे इंजेक्शन के रूप में कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल्स भी आजकल जिम के दौरान, फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने आप की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वे भी ऑक्सीटोसिन के मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं, जो कई सारी फीमेल्स भी अपनी बॉडी की कैपेसिटी, वेट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनकी मसल्स की तो स्ट्रॉन्ग बढ़ जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो जिसका साइड इफेक्ट की वजह से आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, आपके ऑक्सीटोसिन, इन हार्मोन्स में गड़बड़ी आ जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं हम उन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके हार्मोन लेवल पर दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो इन सब के कारण से और आपका जो इनडाइजेशन, यानी कि पेट लंबे समय से खराब रहेगा, तो आपको अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ ऐसे अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी में इंटरनल हीलिंग को, अपने इंटरनल इंजरीज को हील करते हैं, इंटरनल इंजरीज में कहीं भी कोई रुकावट है, कोई क्लॉटिंग है, उनको डिजॉल्व करते हैं, अगर हम उस तरीके का फूड नहीं ले रहे हैं तो भी आप इस तरीके की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करते हैं, कहा जाता है कि वीक में एक दिन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, बॉडी को हमें रेस्ट पर डालना चाहिए। अगर हम पूरे सप्ताह तक उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तला भुना हुआ खा रहे हैं, तो सप्ताह में एक दिन हमें अपने पेट को, अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, तो उसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं और जो इंटरनल लेयर है यहाँ पर ये डिस्टर्ब होगी और वहाँ से सिक्रीशन है, क्योंकि जो भी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, जो सेल अपने अंदर से कोई सिक्रीट करती हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन वहाँ पर डेवलप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी का भी रोल है, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन जा रही है, आप बदलते मौसम में बीमार हो जाते हैं, हल्की बारिश में आपको खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो लो इम्यूनिटी में भी आपको ये इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस समय पर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन से लड़ने का काम आपकी इम्यूनिटी ही करती है, तो जिन फीमेल्स के अंदर लो इम्यूनिटी है वहाँ पर एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस हैं। ये रेयर बीमारी है, बहुत कम डायग्नोज होती है, बहुत कम पता चलती है, क्योंकि इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं बाकी और भी बहुत सारी कारणों में आपको समझ आते हैं, चाहे वो PCOS हो जाती है, PCOD हो जाती है, चाहे आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे आपको यूट्रस से रिलेटेड होती हैं, तो इसका डायग्नोज बहुत रेयर टू रेयर आपको पता चलता है कि आपको एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन ये बीमारी आप अगर ये हो जाए तो ये बहुत पेनफुल है, बहुत तकलीफफुल है। लास्ट में अगर हम देखें तो इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है, या तो ये नेचुरल तरीके से ठीक होती है जब आपके पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं,
क्योंकि वहां पर अब आपकी जब फंक्शनल लेयर काम नहीं करेगी तो इंटरनल लेयर भी काम नहीं करेगी, क्योंकि इसकी शुरुआत फंक्शनल लेयर से अंदर की बात है। तो यहां पर या तो आपको मेनोपॉज हो जाए, यानी कि नेचुरली तरीके से आपके पीरियड्स बंद हो जाए, या अगर मेनोपॉज नहीं है और उससे पहले की बात करें तो यहां पर यूट्रस को हमें रिमूव करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी एक कारण निकल कर आता है। अगर यूट्रस हमने रिमूव करा तो बांझपन, यानी कि अब वो कंसीव करने के लायक नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हमारी अल्टरनेट मेडिसिन पर भी काम किया जा सकता है। अगर हम शुरुआती दौर में इस बीमारी का इलाज करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हम उसको ना रोक सकें, लेकिन समय रहते हमें इसका पता लगना चाहिए। तो न्यूरोथेरेपी जैसी चिकित्सा पद्धति में तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पहला आपकी डाइट में, दूसरा आपकी एक्सरसाइज में, और तीसरा आपका ट्रीटमेंट में। तो डाइट कैसी डाइट होनी चाहिए, जो आपको सुपाच्य हो, जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और जो आपके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू लेकर आए। क्योंकि इस दौरान जब आपको पीरियड्स हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपका कैल्शियम लेवल, आपका विटामिन का लेवल डाउन जाएगा, और उस वजह से आपकी इंटरनल वीकनेस की वजह से आपका यूट्रस भी प्रोलैप्स हो सकता है, वहाँ से वो खिंचाव हो जाता है और वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेन आ सकता है। तो मसल्स को मजबूत करने के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपकी डाइट का ठीक होना बहुत जरूरी है, और हर प्रकार के प्रोटीन का आपको इंटेक करना चाहिए, हर प्रकार की दाल का, हर प्रकार की सब्जी का, हर प्रकार के फल का, हर प्रकार के सलाद का, आपको जो मौसम में आ रहे हैं उनका सबका इस्तेमाल करना चाहिए। तो डाइट, आपको बैलेंस डाइट की इस समय पर जरूरत है। दूसरा, आपके पूरी बॉडी में एक्सरसाइज की जरूरत है, खासतौर से लोअर एब्डोमन को स्टिमुलेट करने वाली, वहाँ की मसल्स को ठीक रखने वाली, वहाँ की लेयर को ठीक रखने वाली मसल्स में जो चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज है, यानी कि हम पैरों को खोलकर चक्की की तरह 40-50 बार क्लॉकवाइज करें, 40-50 बार एंटी क्लॉकवाइज करें, तो इससे आपके लोअर एब्डोमेन में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है वो अपने आप ठीक होने लगता है। कहते हैं कि चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज अगर हर फीमेल करे तो उसको लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो यूटीआई होगा, ना प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम होगा, ना प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की मांसपेशियाँ अपने आप मजबूत हो जाएंगी और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस बैक्टीरिया डेवलप होने के चांसेस नहीं होंगे। तो उस एरिया की फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हमें उन मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए जो हमारे हार्मोन्स लेवल पर अटैक कर सकती हैं, जो आज के फीमेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं प्रेगनेंसी कंसीव ना हो जाए, या हार्मोनल चैलेंज के लिए, यानी कि चेंजेस के लिए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए, बॉडी शेपिंग के लिए, बॉडी अच्छी लगे, उन सब के लिए हम बहुत तमाम क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, या लोशन का इस्तेमाल करते हैं, या जो हमारी बॉडी को इंटरनल नुकसान करे, उन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब रही ट्रीटमेंट की बात, तो ट्रीटमेंट की बात में सबसे पहले हमारा काम है कि हम पेन पॉइंट्स को भी काम करें, यानी कि लोअर एब्डोमेन के जिस हिस्से में पेन हो रहा है उस पेन को निकालने का काम करें। तो हमारे पास न्यूरोथेरेपी में लोअर एब्डोमेन के, लेकिन हमें ये भी ध्यान करना है कि हम उस तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट ना करें जो हमारे एस्ट्रोजन लेवल को या प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ा देगा। तो हमें हार्मोन्स के लेवल पर काम ना कर हम इनडायरेक्टली उन पेन पर काम करेंगे, है ना। दूसरा काम हमें क्या करना है कि वहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है उसको रोकना है। तो सबसे पहले टू पेन का इस्तेमाल करना है। पेन के लिए हम क्वाडा इकोना का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाडा इकोना का ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ पर ग्रोथ को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, जिसने हमारी फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर रखा है, जिसने हमारे यूट्रस को भारी कर रखा है, जिसने हमारे यूट्रस को प्रोलैप्स कर रखा है, इलाज कर रखा है, उसके लिए हम टू पेन मल्टीप्लाई बाय सिक्स ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए हम वन पैरा का इस्तेमाल करते हैं। वन पैरा का इस्तेमाल हम वहाँ पर उस एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हो रही है उसे ख़त्म करने के लिए करते हैं। हम यहाँ पर चूंकि ये एक अलग एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो टिश्यूज़ की है, सेल की है, किसी भी चीज़ की है, तो इनको डिजॉल्व करने के लिए, उनको खोलने के लिए हम मल्टी हेपरिन का भी इस्तेमाल करेंगे।
तो मल्टी हेपरिन यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा आपका ये भी ध्यान करना है कि स्पाइन को स्टिमुलेट जरूर करें, स्पाइन को स्टिमुलेट करें यानी कि आप सुधाकर यानी कि स्पाइन क्लॉकवाइज ऑर्गन क्लियरेंस का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम अपने पेट को ठीक रखें यानी कि पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसका समाधान करें। तो इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो धीरे धीरे कर कर ये कुछ एकदम से ठीक नहीं होगी लेकिन कुछ महीनों के ट्रीटमेंट से धीरे धीरे ये पेन, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये फीवर आनी कंडीशन या बैक पेन होना या लोअर एब्डोमिनल पेन होना ये धीरे धीरे कर कर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। क्योंकि ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, है ना, यानी कि इस बीमारी का कॉज कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल, हमारे हार्मोन्स और हमारे रहन-सहन के साथ जुड़ा हुआ है जिसको हम सुधारा जा सकता है। प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज, प्रॉपर तरीके से डाइट, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट अगर हम 6 महीने तक फॉलो करें तो अल्ट्रासाउंड के साथ आपकी इन रिपोर्ट्स में मतलब आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसको 100% भी क्योर किया जा सकता है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी हार्मोन लेवल पर भी काम करती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ को भी डिजॉल्व करती है और यहाँ पर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन जैसी बीमारियों पर भी काम कर कर आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकती है।